हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बताओ नए वीडियो में। और अभी हो रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं और अभी हमें कालका रेलवे स्टेशन पे, असल में हमें जाना है कालका से शिमला। तो बात ऐसी है कि मैं देहरादून में था और देहरादून से मेरा प्लान बना, मतलब मुझे काफ़ी टाइम से टॉय ट्रेन में ट्रैवल करना था और टॉय ट्रेन चलती है 2 जगह पे जहाँ तक मुझे पता है, कि एक तो दार्जिलिंग में, दूसरी शिमला में, कालका से शिमला के लिए। तो उनसे हमारा प्लान बना, मेरा निकल का प्लान बना था कि हम लोग टॉय ट्रेन से शिमला जाएंगे। तो हम लोग पहले देहरादून से आए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हम लोग खाना खा के आ गए थे यहाँ पर कालका। भाई ट्रेन जो है सुबह 7 बजे की, अभी बज रहे हैं 2, तो अब रात उतारेंगे हम गाड़ी के अंदर और फिर वहाँ 2 के हम निकलेंगे यहाँ से शिमला के लिए। तो मेन जो है हमें आपको दिखाना है अपनी कालका से शिमला की जर्नी, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर अभी सो के हम मिलते हैं आप लोगों से सुबह। हाँ तो दोस्तों, सीन ऐसा है कि हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद गाड़ी खरीदी खड़ी पार्किंग में और अब जा रहे हैं हम ट्रेन में। ट्रेन का टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ तो दोस्तों, सीन ऐसा है कि हम लोगों ने रात गाड़ी में गुजरने के बाद, अब नींद आधी पूरी जैसी भी आई है वो करने के बाद, हम लोगों ने चेंज करके आ चुके हैं स्टेशन पर। हमारी ट्रेन है 10 मिनट बाद। ट्रैवल विद निखिल, हमारा टॉय ट्रेन का सफ़र स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। ये है हमारी ट्रेन। दोस्तों हमारी ट्रेन है ये वाली। दोस्तों कालका से जो हमारी जर्नी है शिमला की, वो ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटे की है। अगर ये ऐसी ट्रेन पास कराती रही तो हो गया। अगर ऐसी ऐसा हो रहा है कि हम लोग कालका से निकले थे सुबह 7:15 बजे और अभी हम हैं घुम्मन स्टेशन पे, जो कि थोड़ा ही दूर है कालका से। देखो हमारे बड़ी आ रहे हैं पहाड़ पार करते हुए।
हाँ तो दोस्तों बात ऐसी है कि अभी हम आए हैं अपने दूसरे स्टॉप पे, यह है कोटी स्टेशन। यहाँ पर एक्चुअली है क्या, छोटे छोटे स्टेशन बना रखे हैं इन्होंने कि यहाँ पर ये लोग ट्रेन रोक रहे हैं और लोग उतर के फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि अभी हम रुके हुए हैं, यहाँ पर एक स्टेशन है, यहाँ रुके हैं हम लोग कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए। सुबह से निकले हुए हैं 7 बजे से और अभी 12 बज रहे हैं, हम शिमला नहीं पहुँचे हैं, मतलब 5 घंटे में हो गए हैं कालका से निकले हुए। अब थका दिया इस ट्रेन ने, मतलब हमें एडवेंचर करना था लेकिन इतना भी नहीं करना था कि 5 ही घंटे हो जाए बिल्कुल। हाँ तो ये दोस्तों हम लोग शिमला आ चुके हैं और हमें कालका से शिमला आने में लगे हैं लगभग 6.5 घंटे। पहली बार एक्सपीरियंस किया हमने टॉय ट्रेन का और अच्छा था एक्सपीरियंस, बट मेरे जैसे इंसान के लिए बस ये ठीक था क्योंकि हमने वही रास्ता देखा जो हम यूजुअली देहरादून में भी देखते हैं, मतलब पहाड़ों वाला रास्ता। जिसने ग्रीनरी नहीं देखी हो या जो लोग पहाड़ों में ना रहे हो तो उनके लिए तो अच्छा है, बट मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बस ठीक है। अगर आपको टॉय ट्रेन में आना है तो आप लोग कालका की जगह सोलन से चलें, सोलन से शिमला के लिए आप टिकट बुक कराएं तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। ठीक है तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं शिमला माल रोड पे, माल रोड घूमेंगे, कुछ खाएंगे, बहुत देर हो गई यार, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। चलिए बड़ी फिर मेरे भाई निखिल का सबसे फेवरेट काम है चलना। हाँ भाई। और आज वो ही हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जितना आसान शिमला आना है ना, माल रोड पे चढ़ना उतना ही मुश्किल है।
आज हमारे भाई को हुआ कि जी सीढ़ी चढ़ के जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अभी मैं हूँ माल रोड पे और आज का व्लॉग जो था वो सिर्फ टॉय ट्रेन के रिगार्डिंग ही था। मतलब हमें सिर्फ टॉय ट्रेन का दिखाना था क्योंकि शिमला मैं आपको पहले ही व्लॉग में दिखा चुका हूँ, तो ऐसा सच कुछ दिखाने वाला अभी और बचा नहीं है इसके अंदर। तो हम लोग शिमला आए थे, हमने खाना पीना खाया, अब हम लोग वापस जा रहे हैं शिमला से चंडीगढ़ के लिए। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, और कुछ होगा तो आपको दिखाता हूँ, वरना मिलता है अगले व्लॉग में। बाय बाय।